हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू, देव जंतु बांधो आपसे डायबिटीज खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो, ये जंतु ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतु, हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, दो में जो ताकत हो बदल दो, और या हमारा अगर शरीर पर प्रभाव डालते हैं तो हमारी किडनी को बदल दो, आपसे डायलिसिस बंद हो जाए। है कोई फालतू में उनको जिनकी बुद्धि नहीं है, तो बावरे अस्पताल पर ये बावरे डॉक्टर, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जाए। देखो यहाँ का सत्संग बहुत कड़ुआ लगे, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे, बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे, बचपन से शेरों का संग किए, कीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना, उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात। अभी आपने सुना संत प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि ऐसी कोई शक्ति नहीं जो बीमारी का इलाज कर सके, जिसका वीडियो प्रेमानंद महाराज के इंस्टाग्राम में जमकर वायरल हो रहा है, जिसका वीडियो हरिधाम सरकार के पास किसी भक्त ने भेजा था, जिसको देख हरिधाम सरकार के पीठाधीश्वर हरि ओम महाराज ने इस चैलेंज को स्वीकार कर कहा कि ऐसी दुनिया में कोई बीमारी नहीं जो हरि भक्त नहीं कर सकते। इस चैलेंज को आज इस भारी सभा में चैलेंज करते हैं कि यदि प्रेमानंद महाराज जी हरिधाम आ जाएं तो मैं दावा करता हूं कि तुम्हें बीमारी ठीक कर दूंगा। आइए सुनते हैं हरिधाम सरकार के पीठाधीश्वर हरि ओम महाराज ने क्या कुछ कहा प्रेमानंद महाराज जी के लिए। ऐसे ऐसे हमारे प्रेमी भक्त पैदा है जो मानव को विलुप्त कर दे संत मंत्र से, इतनी बड़ी हस्ती है, यह पृथ्वी जीरो से खाली नहीं है, भरी हुई है। प्रेमानंद महाराज जी हमसे आप बड़े हो उम्र में, लेकिन हम आपको इतने ही बोलेंगे कि भक्ति आज आपने की है, बचपन में घोड़ा में लेते थे तो बचपन में हमें शारदा भवानी ने जन्म साक्षात दर्शन दिया था, और तुमने कानपुर के किनारे गंगा में बड़े बड़े संतों का साथ दिया था, तो हमने भी बचपन में इसी नेम में मैं सारी चारपाई धल करके यही बसेरा करता था, 5 साल का था जब। तुमने संतों का किया था तो हमने शारदा भवानी का भजन किया था 5 साल से लेकर अभी तक, इसलिए मैं दावा करता हूँ प्रेमानंद महाराज जी आप हमें वहीं बुला लेना, मैं उसी महफिल में तुमको शहीद करके आऊंगा। बोलो हरिधाम सरकार की जय।